క్లోజ్ అలా బాగా ఎక్కువ బంద్ కావాలి. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. तारीफों के लायक सिर्फ अल्लाह की दात, किबरियाई बुजुर्गी उस वहदहू ला शरीक जिसने हमें मुसलमान बनाया। अनगिनत दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने जन्नत की भी खबर दी और दोज़ख की भी खबर। अहले इस्लाम, मुसलमान बड़ा समझदार होता है, वो एक एक कदम को फूंक फूंक कर रखता कि ये जिंदगी एक उधार है, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। कामयाब वही शख्स होगा जिसका अकीदा सही हो, नाकाम और नामुराद वो शख्स होगा जिसके अकीदे में खराबी हो। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में वदाइफ तस्बीहात नेक आमाल इस तरह बयान किए जाते हैं कि यही नेकियां हमें जन्नत की तरफ लेकर जाएंगी, और ये खबर अक्सर को नहीं देते कि इन नेकियों की बुनियाद अल्लाह की तौहीद। अगर एक शख्स के पास सारी जिंदगी की वो तहज्जुदे हैं जो कभी कदा नहीं हुई, पांच वक्त का वो मस्जिद का पक्का नमाजी है, हराम वो नहीं खाता, झूठ वो नहीं बोलता, हकूकुल इबाद का वो ख्याल रखता, मुआशरे में हाजी सैयद नेक पारसा और मुत्तकी मशहूर है, दुनिया उसके पास अमानतें रखती,
अब लोग ये समझते हैं कि ये जन्नत का मुसाफिर है। एक खराबी सिर्फ उस शख्स में कि वो अल्लाह के अलावा गैरों को मुश्किल कुशा समझता है, कब्रों पर सजदे को जायज समझता है, गैरुल्लाह की नजर और नियाब खाता है। अब हमारे यहां ये देखा जाएगा कि पता नहीं अल्लाह को इसकी कौन सी नेकी पसंद आ जाए और ये जन्नत में चला जाए। याद रखिएगा, जो खराबियां इसके अंदर मौजूद है, जो नेकियां इसके अंदर मौजूद है, खराबी सिर्फ एक है। हर कब्र को सलाम करता है, हर बुजुर्ग को सजदा करता है, हर गैर के नाम की नजर चढ़ाता है, हर जुमेरात को अली हजवेरी के नाम पर देगे देता है, हर बरी से अपनी किस्मत को खरी करवाता है। अमानतदार इतना है कि वो नोट जो हमने उसको दिए थे उसने वही नोट संभाल कर रखे हुए हैं, वही वापस कर देता है। लेकिन हमारे मुआशरे की तरबियत इस अंदाज में की जा रही है। खुतबा और माजरत के साथ उलमा की जमात के इसके हाथ से कभी तस्बीह नहीं गिरती, मनका नहीं हटता। ये 10 दफा सुभान अल्लाह कहकर तो गाहक से गुफ्तगू करता। अहले इस्लाम अल्लाह के यहां उसकी नेकियां रेत के जर्रे के बराबर भी कोई हैसियत नहीं रखती। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने जुदान उसका दस्तरखान कभी खाली ना हुआ, भूख आकर भूखे आकर अपनी भूख मिटाया करते थे, प्यासे आकर अपनी प्यास को बुझाया करते थे, रात की तारीकी में भी उसके घर के ऊपर लाइट जलती रहती थी, आग जलती रहती थी, दूर से मुसाफिर आने वाले के लिए रात को भी दस्तरखान समझता उसके घर में मिलता था। इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा सिला रहम करने वाला, ऐ अल्लाह के नबी ये नेकियां उसको फायदा देंगी? फरमाया आयशा, उसने जिंदगी में कभी रब को न माना, उसको एक नेकी का भी सवाब नहीं मिला। अहले इस्लाम अकीदा तौहीद में इतनी पुख्तगी होनी चाहिए कि हम उस हदीस के मिसदाक बने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब फरमाता है, قال الله تعالى, रब कहते हैं, ए आदम की औलाद, तेरे गुनाह आसमान और जमीन के इस खाली जगह को भर लें, मुझे कोई परवाह नहीं। जब तक तू उम्मीदें मुझसे रखेगा, बुनियाद अल्लाह की तौहीद है, अगर तेरे अकीदे के अंदर उम्मीदों का मरकज मैं, इल्तजाओं का मरकज मैं, तेरी मुश्किलों को हल करने वाला मैं, तेरी मुसीबतों को दूर करने वाला मैं, वही अमसकल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफालहु इल्लाहु, और अगर तू इतने गुनाह इस अकीदे तौहीद के साथ लेकर आएगा, मैं रब इतनी ही मगफिरत लेकर आऊंगा और तुझे माफ कर दूंगा। इसका माना को ये ना समझे कि गुनाहों का अंबार हम जमा कर लें। إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك لمن जिसके लिए चाहेगा रब ये गुनाह माफ कर देगा, वरना इन गुनाहों की दुलाही जहन्नम की आग है। इसलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम रब से सजदे में गिरकर दुआ करेंगे, कहा जाएगा जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है जहन्नम से, उसे ऐ मोहम्मद निकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया तौहीद परस भी फिर जहन्नम में होंगे। गुनाहों से ये ना समझना कि ये हदीस, लेकिन बुनियाद अल्लाह की तौहीद।
آج خال خال کوئی شخص توحید پر گفتگو کرتا، کہیں جہادی میلہ ہے تو کہیں فضائل کا میلہ ہے، کہیں مسائل کے جھگڑے ہیں، جو اللہ کی توحید، جو انبیاء کا مشن، جو نوح علیہ السلام سے لے کر محمد کریم تک اس پیغمبروں کی ایک طویل جماعت نے جو جد و جہد کی، محنت کی، مشقت کی، دانت تڑوائے، زخمی ہوئے، مقصد صرف یہ تھا یہ رب کے بندے غیروں کی بندگی چھوڑ کر ایک رب کی بندگی کرنے لگ جائے۔ مسائل میں اگر غلطی لگ بھی گئی کہ شیخ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ننگے سر نہیں پڑھا رہے، کبھی ننگے سر والے نے ٹوپی اتاری ہوئی ہے اور ننگے سر پڑھ رہا ہے، نجات اس میں نہیں ہے، نجات رب کی توحید میں۔ تو کلمہ توحید کیا ہے؟ جو ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر نمازی پڑھتا ہے، ہر مسجد والا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ توحید کی سات شروط ہیں۔ آج خطبہ کے اندر اللہ کی توفیق سے میں نے چار شرطوں پر گفتگو کی، وقت مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے جمعے کے اندر کہا تھا کہ تین شرطیں بقایا، چوتھی اور تین، چوتھی کا کچھ حصہ وہاں پر بیان ہو، وہ میں اس مسجد میں آج اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کے دلائل سے بیان کروں گا۔ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے ایک نقشہ، یہ چوتھا نمبر، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط یہ، اور اگر کوئی تین شرطیں سننا چاہے وہ سید طیب الرحمان زیدی آفیشل پیج کو لائک کرے، وہاں پر تین شرطیں سن لے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی مطالبے کو رد نہ کیا جائے، من و عن مانا جائے۔ حشر کا میدان ہے، سب جمع ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، پیر بھی ہے، مرید بھی ہے، امام بھی ہے، گدی نشین بھی ہے، سجادہ نشین بھی ہے، غیروں کے دروں پر جھکانے والے، پیغام دینے والے، وہ بھی ہیں، سب جمع ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کر رہے ہیں۔ مرید پیروں کو کہتے ہیں، اور آج تو پیر مریدوں کو کہتا ہے، جو چاہو کرو، ہم جانے اور رب جانے، جنت ہماری ہے، ہم نے تقسیم کرنی ہے۔ جبھی تو گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جنت حسین کی، ہم حسین کے، ایک گاڑی کی فرنٹ سکرین پر لکھا ہوا، میں نے خود راول پنڈی کے اندر پڑھا، سید پور روڈ کے اوپر اس نے لکھا ہوا تھا، تو رب سے مانگ کر دیکھ، اگر نہ ملے تو حسین سے مانگ، سب کچھ مل جائے گا۔ جب امت کی یہ حالت ہو، او اہل توحید، کہ رب کا مقابلہ حسین سے کیا جائے، کہ رب سے مانگ کر دیکھ، اگر نہ ملے، حسین سے مانگ، تجھے سب کچھ مل جائے گا، میں مجھے مسئلے سمجھاؤں، نہیں نہیں، رب محمد کی قسم، میں اسے اسلام سمجھاؤں گا، توحید پڑھاؤں گا، کہ تجھے کلمہ توحید نہیں آتا، تو کلمہ توحید کی شروط نہیں جانتا، تو حسین سے مانگے، علی سے مانگے، اس کے والد ابو طالب سے مانگے، جس سے بھی مانگے گا، اللہ کے پاس جب تو جائے گا، تیری حالت یہ ہوگی، وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِ يَتَسَاءَلُونَ، تم ایک دوسرے سے کہو گے اب کیا بنا؟ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ شیطان نے کہا تھا میں دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے اور پیچھے سے، ہر طرف سے اس مسلم کو گھیروں گا، اور مسجد سے ہٹا کر اس کو مقبرے کا پجاری بناؤں گا۔ آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ مسجد ویران، دربار آباد ہے، پھر جہالت کی انتہا ہو گئی،
कि मिंबर और मेहराब के वारिस, अंबिया की जमात के वारिस, और उसमें से कुछ ऐसे फितना परवर लोग हैं जो कब्रों पर जाकर वहां पर खुतबा दे रहे हैं। ओए बुलाओ सैयद को किसी मकबरे पर, किसी उर्स पर, किसी मेले ठेले के ऊपर, मैं रब की तौहीद का बयान करूंगा, या वो नहीं होंगे या मैं नहीं होऊंगा। قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين, तुम तो हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। कहते थे वाबी के पीछे ना चल, इसकी मस्जिद में ना जा, इसके दर्श ना सुन, इसके नेट को ना देख, सैयद को खोल कर ना देख, इसकी तौहीद की सीढ़ी ना सुन। अब ये मुरीद और पीर दोनों जमा है। ये सूरह साफ़ात 23वां पारा है, और मैं हैरान होता हूं इन जुगते बादों पर। अल्लाह का कलाम मौजूद है, इसके होते हुए कोई जुगत सुनाने की जरूरत है? तुफ है तुम पर। हम अहले तौहीद है, हमारा मकसद हयात लोगों को रब की बंदगी का पैगाम देना है। قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين। अब पीर मुरीद को कहते हैं तुम ही ईमानदार ही नहीं थे, तुम ही चढ़ चढ़ कर कब्रों पर आते थे, तुमने ही हाथ में छल्ले पैरों में मनके पहने हुए थे, तुमने ही सबज चोले और पीली जूतियों का लिबास सजाया हुआ। ये हशर के मैदान में कह रहे हैं एक दूसरे को अहले शिर्क, ओ अहले इस्लाम, अल्लाह के कलमे की तौहीद की लाज रखी है, मुसलमान ऐसा नहीं होता। फरमाया वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान बल कुंतुम कौमन तागीन, हमारा कोई जोर चलता था, हमारी कोई तुम पर हुकूमत थी? तुम ही आकर नजराने चढ़ाया करते थे। बल कुंतुम कौमन तागीन, तुम ही बागी कौम थी कि रब को छोड़कर रब के बंदगों बंदों से सवाल कर रहे थे। आज मुझे कोई शहर बतलाओ, कोई बस्ती दिखलाओ जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं कि वहां बंदों ने मुर्दों से, जिंदा कौम मुर्दों से मांग रही। और कमाल है इस मुशरिक का, है जिंदा कब्र पर खड़ा हुआ, कहा जाए कि रब से मांग तो कहते हैं रब बगैर कब्र वाले के नहीं सुनता, वसीले से सुनता है। और कमाल है खालिक तो बगैर वसीले के नहीं सुनता, और ये कब्र पर खड़े होकर कहते हैं ये डायरेक्ट सुनता है। रब बगैर वसीले के नहीं सुनता, थ्रू प्रॉपर चैनल, और जिस कब्र पर खड़े होकर बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्तालाल, उसे डायरेक्ट कहता है ये सुन रहा है। अब बतला वो बड़ा है या ये बड़ा है? तूने तो इसको बड़ा कर रखा है कि जी वो हमारी नहीं सुनता, ये हमारी सुनता। बल कुंतुम कौमन तागीन फहक्का अलैना कौलु रब्बिना इन्ना लदाइकुन। अब तो हमारे रब की बात साबित हो चुकी, हम अदाब चखने वाले हैं। वो अदाब जानते हो क्या है? जहन्नम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम में इस तरह दाखिल किए जाओगे जैसे दीवार में कील दाखिल की जाती है, नीचे भी आग, ऊपर भी आग, दाएं भी आग, बाएं भी आग। अल्लाह हम सबको महफूज फरमा। जहन्नम का दारोगा मालिक ही इतना सख्त है कि कायनात का इमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आया, जब मेराज पर गया हज फरिश्ते ने मुस्कुरा कर आलन वसालन मरहबा कहा, सलाम कहा। मालिक फरिश्ते की पेशानी पर नबी को देखकर भी सलवटें पड़ी रही।
उसका एक ही जवाब होगा जहन्मियों को, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हादा, क्या तुम्हारे पास अंबिया नहीं आए? नहीं आए हमारे पास अंबिया, हमने नबी को देखा ही नहीं। पैगंबर ने सहाबा से पूछा तालीम और तरबियत का अंदाज, जब सवाल हुआ था कि जन्नत में 70,000 लोग बेहिसाब और किताब दाखिल होंगे, सहाबा सोचते रहे, सहाबा सोचते रहे, किसी ने कहा वो बदर वाले होंगे, किसी ने कहा वो ओहद वाले होंगे, किसी ने कहा वो होंगे जिन्होंने पैदा ही इस्लाम के अंदर हुए, कभी शिर्क न किया, नबी आए और पूछा वो कौन होंगे जो दम न करते होंगे न करवाते होंगे, जिनका तवक्कल अल्लाह पर, वो लोग होंगे जिनका रब से ताल्लुक होगा बड़ा गहरा। हम तो थोड़ा सा बीमार होते हैं तो शाह साहब से तावीज़ लिखने के लिए, लिखवाने के लिए पहुंच जाते हैं, मुफ्ती जवाब दे देता है, अहले हदीस भी मानते हैं जी तावीज़ कुरानी जायद है, तो ये पूरा कुरान ही उठाकर गले में डाल लो ना, वो तो एक ही आयत होगी, इतनी सारी आयतों का ज़्यादा असर होगा। फरमाया फहक अलैना कौल रब्बिना इन्ना लदाइकून फअग्वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, हमने ही तुम्हें गुमराह किया था। पीर मुरीदों को कह रहे हैं हमने ही तुम्हें गुमराह किया था, हमने ही कहा था वो सुनता नहीं, वो आता नहीं, वो देखता नहीं। 7 अब्दाल है जिन्होंने जमीन के पूरे निदान को संभाल रखा है, हमने ही तुम्हें बतलाया था चोर मस्जिद में दाखिल हुआ, जिलानी और गिलानी की मस्जिद के अंदर चोरी करने के लिए सैयद की निगाह पड़ी, अब्दाल बन गया, एक अब्दाल फौत हुआ, लोग आए सैयद के पास, निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, उसने चोर को अब्दाल बनाकर हमारे हवाले कर दिया, हमने ही कहा था रब ने इन अब्दालों को पूरा निजाम दे रखा। हम कहते हैं कि मुसलमान है, जबी तो उनके साथ हमारा खाना और पीना और मरना और जीना उनके 10वें और 30वें और 40वें के अंदर हम नहीं पहुंचते, हम नहीं पहुंचते, पहुंचते फअग्वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन। जब बंदा मरता है तो नहीं पहुंचते, तीजे के अंदर अहले हदीस नहीं वहां खड़े होते, खत्म और दुरूदे नहीं खाते, ये हराम नहीं खाते, 11वीं में नहीं पहुंचते कि इतना सख्त नहीं होना चाहिए, दीन इतना सख्त नहीं है। ओ अहले तौहीद, तू तौहीद परस्त होकर फिर गैरुल्लाह की नजरें खाते, तुझ में और कबर परस्त में क्या फर्क रह गया? दूसरा कहते मैं खाता तो नहीं हूं, मुहर्रम के अंदर जब हुसैन के हलीम आया था, 7 नकवी और जैदी और सैयद काजबी और मशहदी का घर है वो नाराज ना हो जाए, मैंने ले लिया था, मैंने ऊपर चिड़ियों को खिला दिया था, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आज तू लेता है के लेने में कोई हरज नहीं, बच्चा कल को जवान होगा और मैं कब्र के अंदर होऊंगा, बच्चा कहेगा जैदी ले लिया करता था, जब लेने में हरज नहीं तो ये सुअर खाने में भी कोई हरज नहीं है, मैंने नस्लें बिगड़ती हुई देखी। इसका दादा एक शख्स का दादा आलिम था, मस्जिद थी उनकी अपनी और पोता हनफी था, हर खत्म के अंदर खड़ा हुआ था, आप पहले दीस हैं, कहा अब दादा अबू मेरे जुमा पढ़ाते थे, मैं तो सुन्नी हो गया हूं, क्यों? ले लिया करते थे, खाने में कोई हरज नहीं, ये खाता नहीं था, कुछ ईमान था, बारी आई इसकी, जब बाप मरा तो इसने खाना ही शुरू कर दिया। फअग्वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, कलमे की लाज रख, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके किसी मुतालबे को रद्द न कर,
अगर रद्द करेगा तो कलमे की शर्तें पूरी नहीं होगी, जब शर्तें पूरे नहीं होगी अकीदा कामिल ना होगा। فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ, हमने तुम्हें गुमराह किया था, हम खुद भी गुमराह थे। जब हम गुमराह थे, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, जब हम कबर परस थे, दुलदुल परस थे, मातम करने वालों को हम अपने घर में हलीम पकाकर चौक में जाकर देगे खिलाया करते थे, जब हम गुमराह थे तो लोगों को इस गुमराही की तरफ दावत दिया करते, जब हम बदले, निजाम बदला, अकीदा बदला, आमाल बदले, फिर हम में और उनमें लड़ाई थी, कब तक, हत्ता तुमनु बिल्लाह वहदा, जब तक वो एक रब पर ईमान नहीं लेकर आते। तुम्हें हिकमतें चढ़ी हुई है, रवादारी चढ़ी हुई है, तुमने वोट लेने हैं, नोट लेने हैं, ना सैयद को नोट की जरूरत, ना किसी वोट की जरूरत, तुम्हारी मजबूरियां होंगी कि नून लीग के साथ चलना है, मेरी मजबूरियां नहीं, मैंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है, मेरी मजबूरियां नहीं। मैं अकीदा तौहीद को बयान करने वाला, उस पर अमल करने वाला, अल्लाह की तौफीक से डंके की चोट तक, मौत तक उसको इंशाअल्लाह बयान करता रहूंगा। فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ, हम भी गुमराह थे और तुम्हें भी हमने गुमराह किया। यही पीर गुमराह करते हैं मुरीदों को, और यही जुगते बाज अहले दिसों को गुमराह करते हैं। मसला क्या है? मौत की खबर नहीं, मैं पहले चला जाऊं या मेरा पंजाबी पहले चला जाए, कोई खबर नहीं। निजात किस पर है? हुसैनी और यजीदी बहसों में निजात है? कौन को बर्बाद करने लग गए हो? चार पैसे करके पूरी कौम को तबाही के किनारे पर ला रहे हो? जुगते सुना सुना कर मस्जिद के अंदर तुमने एक मेले का समा पैदा कर दिए। ओ मुसलमानों की जमात, मसला समझो, मसला क्या है? अगर हुसैनी और यजीदी पर निजात होती, अल्लाह की कसम सबसे पहले यह मसला हम बयान करते। हमसे पहले मेरे अल्लामा एहसान इलाही दहीर रहिमहुल्लाह बयान करते, हबीबुर रहमान यजदानी खंजर तौहीद के खातिर का वो ना बयान कर सकता था? तफरीकों पर तफरीके, ये निजात का मसला नहीं है। निजात का मसला यह है, तू रब को रब मानता है कि नहीं मानता, तेरा पालनहार, तेरा लजपाल, तेरा गरीब नवाज, तेरा बंदा नवाज कौन है? ऊंची आवाज में बोलिए। फअग्वैना कुमिन्ना कुन्ना गावीन, पीर मुरीदों को कह रहे हम भी गुमराह, हमने तुम्हें ही कहा था आओ इस कब्र को चाटो, इस कब्र को चाटो, यहां पर सजदे करो, नजराने चढ़ाओ, नियाजें दो, जुमेराते तैयार करो, ग्यारहवीं बारहवीं पकाओ। तोबा टेक सिंह के मैं गांव के अंदर जलसा करने गया, वहां लिखा हुआ था सतारवीं शरीफ, मैंने कहा ये क्या, कहते ग्यारह बारह काबू नहीं आ रही थी, उन्होंने सतारवीं शुरू कर दी। ओहले इस्लाम, हंसने का रोने का मकाम है, रोने का मकाम है। हमें तो यह नजर नहीं आता कि हाफजाबाद के अंदर नौ गजे की इबादत हो रही है, गुजरावाला के अंदर और शेखुपुरा में सैयदों की इबादतें हो रही है, यह अगर नजर आ रहा है तो कौम को एक नई मुसीबत के अंदर खड़ा कर दिया। फअग्वैनाकुम, अब पीर भी कह रहे, अब तो कहते हैं जी पता लगेगा ऊपर, हम भी कहते हैं पता अभी लग गया, ऊपर तो लगना ही लगना, हमें पहले ही पता है कि तुम कब्र परस्त मुशरिक चट चट। فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ,
आज के दिन तो हम सब भी मुश्तरी के आदाब में जूतियां तो पड़ेंगी सारों को, हसबु जहन्नम, जहन्नम की लकड़ियां, जिनकी ये इबादतें करते हैं, जिनको ये दावत देते हैं। हाय हाय, कलमे तौहीद की लाज रख, उसके किसी मुतालबे को नंबर चार रद्द न कर। ذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, अल्लाह कहता है हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं कि चल बाबा जी तू भी तेरा मुरीद लड़ जो फड़े, और हम सबको क्या कहते हैं, बेमुर्शदे, इनका कोई मुर्शद नहीं है। हमारा अल्लाह, हमारा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा कोई नहीं, इसलिए सारे फंसे खड़े होंगे। कुरान है, और जुर्म क्या बयान किया, ये चौथा नंबर जुर्म क्या बयान किया, इन्नहुम कानू इदा कील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून, जब इन्हें कहा जाता इलाह एक, मुश्किल कुशा एक, हाजत रवा एक, औलाद देने वाला एक, बिगड़िया बनाने वाला एक, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला एक है, ये तकब्बुर किया करते थे। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, हाजत रवा मुश्किल कुशा एक खुदा एक खुदा, हाजत रवा मुश्किल कुशा एक खुदा एक खुदा, हमारा यही तो नारा है। इन्नहुम कानू इदा कील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नहीं समझ आ रहा मुसलमानों को, ये नहीं समझ आ रहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद फिर किसी कब्र को सजदा हराम। यस्तकबिरून, और कहते क्या थे, वाह भाई वाह, जैसे आप और हम कहते हैं शाह साहब, वैसे बात तो आपकी सही है कि जुमेरात में नहीं जाना चाहिए, वो क्या देते हैं खत्म शरीफ, खत्मों में नहीं जाना चाहिए, खत्मों में नहीं जाना चाहिए, और अब तो अहले हदीसों ने शुरू कर दिया, पंजाबी साहब अहले हदीसों ने, आज ही मुझे पता लगा फलां का बाप मर गया, उसने मौलवी बुलाकर जलसा शुरू करवा दी, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अहले हदीस हो तुमने भी वही काम शुरू कर दिए, और सवाब मिल रहा है, और यही तो वो कहते हैं, बच्चों को बुलाओ मदरसे से, वो कायदे लेकर आए, वो पारे लेकर आए, वहां पर बैठें, फिर अब्बा जी अम्मा जी के लिए कुरान पढ़ें, और उसका सवाब आगे बिल्टी टीसीएस के जरिए जाए। यही काम हमने शुरू कर दिए, ये मैं तीजा तो नहीं, मैंने शाह साहब को बुलाया, मैं अपना ही दे दूं, मुझे फलाने को बुलाया जी, क्यों बुलाया, आज तीसरा दिन, अम्मी जी को मैंने कहा चलो तकरीर करवा के सबको खाना खिला दूंगा, फर्क क्या है तुम में और उनमें, मुझे कोई डर नहीं किसी से, फर्क बतला, को माई का लाल आकर मुझे समझा, वो तीजा करे तो बिदअत, तू करे तो सवाब। अगर ये काम दीन होता तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ना खुतबा देते तीसरे दिन कि अब्दुल्ला फौत हुआ है, चलो आज खुतबा देते हैं तीसरे दिन। और कह दें इतनी सख्ती जायज नहीं है, इतनी सख्ती, यही तो वो कहते थे, वयकूलूना इन्ना लतारिकु आले हातेना लिशायर मजनून, हम अपने इलाहों और बाबों और मुश्किल कुशाओं को एक शायर और मजनून के कहने पर छोड़ देंगे, ये कैसे हो सकता, यही तो आप कहते हैं, आपके सियासी लीडर वहां पहुंचे हुए होते हैं सारों के साथ, मौलवी पहुंचे हुए होते हैं। मैं एक जगह पर गया, मैयत हो गई, हमारा पड़ोसी था, हमारा भी हक बनता था कि जाना चाहिए, नबी यहूदी के घर चले गए थे, मैं गया तो मौलवी हमारे मस्जिद खतीब ऐसे हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था, जो ही उसकी मेज पर निगाह पड़ी फट हाथ नीचे कर दी,
کس سے ڈرا؟ کہ سید کل کو کلاس لے گا کسی جلسے میں، میں تو لے رہا ہوں اس کی کلاس اور لیتا رہوں گا قیامت تک، کہ جب تو اہل بدعت کے پاس گیا فرق کیا ہے تجھ میں اور مجھ میں، وہ بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے تو بھی اس کے ساتھ مل کر، ہم بھی گئے، ہم تین بھائی گئے اور بیٹھے اور اونچی آواز میں کہا انا للہ، سارے ہمارے طرح متوجہ ہو گئے، ہم نے کہا جی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، بابا جی چلے گئے، اپنی تیاری کریں اور تیاری عقیدہ توحید کے ساتھ کریں، کوئی دعا نہ مانگی۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، میری قریب کی ایک عورت فوت ہوئی، میرے بیٹے کی نانی ساس بنی، کیا بنا، بڑی عمر کے آگے، تو ہم چلے گئے، جانا تھا، میری بہو کی دادی فوت ہو گئی، یاد آ گئے، ہم چلے گئے، وہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو آ رہا ہے جی، جو آ، دعا منگو جی، دعا منگو، ابا جی واسطے منگو جی، ابا جی واسطے، اما جی واسطے منگو جی، اما جی واسطے، سارے گراؤں واسطے منگو جی، جڑے مر گئے سارے گراؤں، وہ مولوی بھی بم جاؤ، وہ بھی جاؤ کہتا، میں بیٹھا رہا ایسی، ایک آدمی کہتا ہے تھوڑا وقفہ ہوا کہ شاہ صاحب ایک بات پوچھوں، میں نے کہا پوچھے، کہتے آپ اپنے عقیدے میں بڑے پکے، آئے کاش اللہ سب کو ایسا ہی کر دے، میں نے کہا کیا ہوا، کہا دنیا نے دعائیں مانگی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، میں نے کہا میرے محمد نے نہیں اٹھائے تو میں کیسے اٹھاؤں، میں کیسے اٹھاؤں، اور جب یہ دعوت محمد کریم انہیں دیتے وہ کہتے شاعر اور مجنون کے کہنے پر ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں، آج بھی قبر پرست یہی کہتے ہیں وہابیوں کے کہنے پر ہم میلے بند کر دیں، کیوں کریں گے، تمہارے مولوی ان کے میلوں میں جا کر پیسے کھا کر آتے ہیں، سور کھا کر آتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر، اور سن لو ہم نے علماء کو پیسوں میں تولنا شروع کر دیا، کہ پوچھو یہ کتنے پیسے لیتا ہے، جیسے منڈی میں بیلوں کی قیمت لگتی ہے مولویوں کی یہ قیمتیں لگنے لگ گئی، یہ کردار ہے مولویوں کا، اس کی فیس کتنی ہے جی، ہاں جی کتنا خرچہ لو گے، اور پھر جو نہ دے اس کو ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہو، پھر وہ آڈیو لیک ہو جاتی ہے، کوئی حیا شرم ہوتی ہے، ہم ان میں سے نہیں، غلط ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی ہے کسی کو کہ مجھ جیسے بندے کے بارے میں کہے کہ 25,000 دوں گا تو جمعہ لے دو، غلطی لگ گئی ہے تمہیں، ہم ان میں سے نہیں، اپنے 25,000 اپنے پاس سنبھال کر رکھو، ہم تو اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے آئے ہیں جو قبروں کا سیلاب آ رہا ہے، جو بدعات کا محرم گزرا تو دل دل کے پجاریوں کا مہینہ ربیع الاول آ رہا ہے تو سبز چادروں والوں کا مہینہ، تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے، ہم طوفانوں سے لڑ گئے، خاندان کو چھوڑا، برادری کو چھوڑا، رشتے ناطوں کو توڑا، وجہ یہ تھی وہ دل دل کے پجاری تھے، ہم ایک رب کو ماننے لگ گئے تھے، فرق یہ تھا ہم نے محمد کریم کا کلام سنا اور پڑھا اور لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو جب دیکھا تو ایسے مانا جیسے ماننا قوم سے وہ راستہ اور وہ مہینہ اور وہ دن اور وہ علاقے یاد آ گئے، جیسے محمد کریم کے صحابہ کو ستایا تھا ہمیں ایسا ستایا گیا، ہماری بولی لگاتے ہو، حیا نہیں آتی، اگر اہل توحید ہو تو شرطیں پوری کرنی پڑیں گی، میں تو کہتا ہی رہوں گا کب تک، مجھے یاد پڑتا ہے جب میں مسلمان ہوا سن 83 یا 84 کی بات ہوگی، میں کدھر تھا اور کدھر آ گیا ہوں، وہ دن اور آج کا دن کوئی دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں کہہ سکتا
کہ فلاں جگہ پر اس نے تعویذ پہن لیا تھا اور فلاں کی خاطر اس نے ختم میں حصہ ڈال لیا تھا اور فلاں کے لیے اس نے مغفرت کی دعا کر دی تھی. نہیں, کیوں ہم اس ابراہیم کی ملت پر چلنے والے ہیں جس نے اپنے باپ کو کہہ دیا تھا یہ پکڑ اپنی بستی, میں بستی چھوڑ کر جا رہا. ساری قوم نے اسے آگ میں ڈالنا چاہا, فرشتے بھی آئے. تاریخ کے اندر آتا ہے, کچھ روایتیں اسرائیلی ہے, اس نے ایک ہی بات کہی تھی, پلٹ جاؤ, حسبی اللہ, مجھے اللہ ہی کافی ہے. یہ کلمہ توحید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی مثال اللہ نے مجھے علم دیا, ہدایت دی, اس زمین کی طرح جس پر مین برسے اس میں کچھ حصہ ایسا ہے جو پانی کو جذب کر لیتا ہے, پانی کو جذب کر لیتا ہے, سمجھ جاتا ہے, وہاں پر سبزہ اگتا ہے, لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ حصہ ایسا ہے جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے, پانی پیا بھی جاتا ہے, پلایا بھی جاتا ہے, اور کچھ حصہ ایسا چٹیل ہے کہ پانی گرتا ہے رکتا نہیں, پتھر کا پتھر ہی رہتا. کتنے ہی لوگ قرآن و سنت سنتے ہیں اور پھر کلمہ توحید پڑھتے بھی ہیں اور اس کا پورا مطالبہ پورا نہیں کرتے, پورا نہیں کرتے. آگے چلتے ہیں, نمبر پانچ. کتنے بجے اذان ہے عشاء کی؟ حاجی صاحب پوری کر دوں سات شرطیں کہ نہیں کر دوں؟ پانچویں شرط, نمبر پانچ, لا الہ الا اللہ کے معنی میں پوری طرح مخلص ہو جانا. ہائے ہائے, دلیل, فعبد اللہ مخلص اللہ الدین, اے اللہ کے لیے عبادتوں کو خالص کر لو, اخلاص پیدا کرو. اللہ للہ الدین الخالص, خبردار اللہ کے دین میں ملاوٹ نہیں. آلو جو ہر سبزی میں چل جائے, کیسا حدیث ہے, کبھی بریلیوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر وہاں بھی نماز, کبھی کسی انفی کے پیچھے وہاں بھی نماز, کبھی اہل حدیث کی مسجد میں وہاں بھی نماز, احمد حسن کی مسجد میں وہاں بھی نماز. الا للہ الدین الخالص, مواحد کی نماز کسی مشرک کے پیچھے سارے پڑھتے ہیں, سارے ہی پڑھتے ہیں. سیاسی لیڈر تو سب سے آگے ہی کر دیتے ہیں پلیتوں کو. قربان جاؤں, اللہ ہمیں اس کے نقش قدم پر چلا. علامہ احسان الہی دہیر رحمہ اللہ, آئے ہائے, نو ستارے بھائی بھائی بھٹو تیری شامت آئی. اس وقت میں پانچویں کلاس کا طالب علم تھا, ہمیں نہیں پتہ تھا حدیث کون ہوتے, ہمیں کیا پتہ کون حدیث ہوتے, لیکن ایک بات اس کی تاریخ میں ہم نے پڑھی. اینکر آیا, نماز کا وقت ہوا, سارے بھائی بھائی تھے نا سنی سارے فلانے یہ وہ, اس نے کہا سرکار نماز نورانی پڑھا رہا ہے. کہتا ہے بھٹو کے خلاف اتحاد ہو سکتا ہے, مشرک ہمارا امام نہیں بن سکتا. نعرہ تکبیر نہیں ہو سکتا, ہم جس کے پیچھے نماز پڑھ لیں, نماز جی ہو جاتی ہے آپ کی نہیں ہوتی. میں تجھے تب مانوں کہ جو کسی گاڑی میں سفر کرے اور تجھے کان میں کہا جائے ڈرائیور نہیں ہے, کنڈکٹر بیٹھا ہے سٹیرنگ پہ, کنڈکٹر بیٹھا ہوئے, پھر میں دیکھوں تو یہاں سے لاہور جائے چھلانگ مار کے نیچے اترتا ہے, ساتھ والے کہتا جان بچانی ہے تو آ جاؤ جلدی نیچے اتر جاتا. کیا ہوگا کنڈکٹر مارے گا کہیں کمبخت جان, اور تجھے جان کی فکر ہے ایمان کی فکر نہیں ہے جو قبروں کے پجاری ہے ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے, جو ختمہ اور تیجے اور چالیسویں مولوی تمہارے جاتے ہیں ان کا امام بنا لیتے ہو. کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں اسماعیل سلفی کی روحانی اولاد, کہاں سے لاؤں جنہیں دیکھ کر کبھی نوجوان بغیر کسی جلسے کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے.
यहां से लाऊं अपने उस्ताद अब्दुल्ला भावलपुरी को। कलमे की लाज रखिए, आपके ईमान को तादा करूं? बोलो, चंदा जमा हो रहा है, मस्जिदें बन रही हैं, जिहाद फंड आ रहा है, मेरी मस्जिद में भी आया, मेरे उस्ताद की मस्जिद में, उस्ताद सामने बैठे हुए, चारपाई पर एक शख्स चमड़ा लेकर आया कुर्बानी के दिनों में, आपने देखा ये बंदा मेरी मस्जिद का नमाजी नहीं है, हाय हाय, कहा इधर आओ, वो आ गया, कहां से आए? कहा जी यहां पीछे से आया, यहां जुमा पढ़ते हो? नहीं। तुम कौन हो? कहने लगा मुसलमान हूं। आप साहब ने कहा मुसलमान सारे होते हैं, ये बता या अली मदद वाला मुसलमान है या रसूल अल्लाह मदद वाला मुसलमान? कहता है या रसूल अल्लाह मदद वाला मुसलमान। मैं इंतजामिया को भी कह रहा हूं, उलमा को भी कह रहा हूं। कहने लगे ओ नौजवान, वो तुम्हारी मस्जिद का मीनार नजर आ रहा है, बड़ा ऊंचा मीनार था हमारे बावलपुर में, ये खाल उठा तो उनको दिया, वहां पर तुझेरी खाल कबूल होगी, हम तेरी खाल नहीं लेते। यहां पूछते तक नहीं हो, रसीद कौन कटवा रहा है? सूद के पैसे आ रहे हैं या हराम के आ रहे हैं, जुए के आ रहे हैं, लॉटरी के आ रहे हैं? मस्जिद में एसी लगा दो। वो कहने लगा कमाल का मौलवी है, जिंदगी में ऐसा मौलवी नहीं देखा। कहता यहां नहीं करने वहां देकर, मैं तो नहीं वहां लेकर जाता, मैं आपको ही दूंगा। है जुर्रत किसी आलिम के अंदर ऐसी, मुझे बतलाओ। आप कहने लगे सवाब नहीं मिलेगा, हाय हाय, अरे बतला तेरी मेरी मस्जिद में लाख रुपया आए या दस रुपए आए और मैं लेकर कहूं तुझे सवाब नहीं मिलेगा, क्यों? तो गैर अल्लाह का पुजारी, कब्रों का दीवाना, तेरा इस्लाम से क्या ताल्लुक है? वो कहने लगा जी सवाब मिले ना मिले, दूंगा खाल यहीं। हुज्जत कायम हो गई। आप कहने लगे परसों जुमा है, फिर जरा जुमा मेरे पीछे पढ़ना। आया जुमे के अंदर दाखिल हुआ, तीसरा जुमा पढ़ा, हदीस हो गया। यहां कब्र के पुजारियों को कहते हो चंदा दे तुझे जन्नत मिलेगी, जिहाद में कलाशनकोफ दे तुझे जन्नत का ठेकेदार बना दे हम? कौम का बेड़ा गरक कर रख दिया इन मौलवियों ने। अक्सरियत ऐसी आ रही है। वो दिन गए, याद है आपको दिन अबू बकर गजनवी कभी तकरीर करता था, लोग मुसलमान हो जाते थे। अब्दुल कादर रोपड़ी कुरान पढ़ना शुरू करता था, ढाई ढाई रुकू एक सांस के अंदर पढ़ जाया करता था। कभी मजलिसे कुरान से गर्म होती थी, उसके नूर से, उसके ईमान से, ईमान तादा होते थे। आज कोकड़ा चपाती जो मैं रात आई है, ये सीरतुन्नबी कान बरस हो रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और मौलवी कहता है ये मेरे बाप का सदका जारी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सत्यानाश करके रख दिया कौम को। फरमाया जो कलमे के अंदर इखलास, कलमे में इखलास, ये पांचवी शर्त है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लम ने असअदुन्नास बि शफाअती यौम अल क़यामा मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन कल्बे, जो दिल की इखलास के साथ कलमा पड़ेगा कल कयामत के दिन मैं मोहम्मद उसकी शिफाअत जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। ओ अहले ईमान, चाहते हो कि नबी शिफाअत करे? जो चाहता है वह हाथ खड़ा करे। मैं तो चाहता हूं, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं, फिर क्या करें? खत्मों पे जाएं, टिक टाक मौलवी को बुलाएं, उनको बुलाएं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। मैं शरीयत का एक अदना सा तालिबे इल्म, मैं आपको अल्लाह की तौहीद और पैगंबर की इताअत
और कलमे की शराइत। ना मैं कोई आलिम हूं ना मैं कोई खतीब हूं, टूटी फूटे बातें करता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। आपसे कहता हूं क्या आपकी मजलिस में आपकी जमात में अहले इल्म मर गए? आपका शहर तो अहले इल्म का शहर। हाफिज मोहम्मद शरीफ हाफिज़हुल्लाह तआला उस्तादुल उलमा इरशादुल हक असरी मुहद्दिस दौरा हाफिज मसूद आलम शेखुल हदीस अहले इल्म की भरमार है। हमने मिजाज तब्दील कर दिए हैं कौमों के, मसलक और मनहज को हमने छोड़ने का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। जब तक हम जिंदा है इंशाल्लाह तुम्हारी बेखुनी करते रहेंगे और कौम को समझाते रहेंगे, उनको बुलाओ जिनको अल्लाह ने वरसतुल अंबिया बनाया, नबियों का वारिस बनाया। फरमाया जो इखलास के साथ कलमा पढ़े इन अल्लाह ताला हर्रम अल्लाह अला नार मन قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله। ओए अल्लाह कहते अल्लाह कहते अल्लाह कहते मैंने उस बंदे पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है जो दिल की गहराइयों से कलमा पढ़ता है, दोज़ख में कभी नहीं जाएगा। इखलास के साथ माना क्या कि सूफी बन के इखलास हो जाए? नहीं, ये जो मुआशरे के अंदर गंदगियां बिदआत इनसे हटकर दलेरी के साथ कहता है दरवाजा खटकता है कि कौन जी मुहर्रम का हलीम है, बाहर निकल कहते हैं ये तो हराम है हम नहीं खाते, सीधी सी बात, और तुम भी ना खाओ, हराम है भाई गैरुल्लाह के नाम के, अल्लाह ने हराम करार दिया सूरत माईदा के अंदर। वो चौंक जाएगा और अगली दफा दरवाजा नहीं खटखटाएगा उसका दरवाजा। वो मुझे याद है एक वाकया, तबलीगी जमात आती है ना दरवाजे दरवाजे पर डोर टू डोर, वो जो उनका एक आदमी की जिम्मेदारी होती है, आपने दरवाजा खटकाना है, आपने सलाम करना है, आपने गुफ्तगू करनी है, मुख्तलिफ जिम्मेदारी। वो दरवाजा खटकाने गया ना असलम भाई का, हमारे एक असलम साहब थे, उसने कहा इसका नहीं खटखटाना। उसने क्यों? मैंने कहा घर जाके बताऊंगा। जब आगे मस्जिद में सच्चा उन्होंने कहा वो मैंने अमीर साहब एक बात पूछनी है, वो दरवाजा नहीं खटकान कह दो वो लदीज था पढ़ जाता मैं। हाय ये है जुर्रत। और होता सियासी मौलवी कह दो जुल्लो मैं भी आने मैंने वोट लेना तुमसे। मेरे दिल में एक बात आई कि यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं जो एक अल्लाह और नबी को मान। कहते जमात खत्म हुई वक्त बुरा हुआ जब मैं फरी किया मैं सीधा वहां उठाया उस बंदे के घर पहुंच गया, शेख साहब आप कौन है? उसने कहा जी मैं हदीस। अंदर से हदीस को मीठा निकला, हमारी तरह का कड़वा नहीं निकला, खुशके हदीस जो किसी को पानी भी ना पूछे, अक्सरियत की हालत। कोई आ गया उसने कहा जज तेरी कैसी तैसी, तू किधर आ गया, पहले ही नहीं संभलते हदीस, तू और ऊपर से आ जा। उसने कहा जनाब आइए। उसने कुरान खोला हदीस खोली, पहली मजलिस में वहां से बिस्तर उठाया, कहने लगा मैंने जाना ही नहीं, मैं तो हदीस हूं आज से। यह है इखलास, यह इखलास। बाकी रह गए दो शर्तें, दुआ करें इंशाल्लाह फिर सही। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।